थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कैंट थाना सहित अन्य थानों से 50 किलो 350 ग्राम गांजे के साथ 11 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उक्त जानकारी आज कैंट थाने में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल ने मीडिया जनों के साथ साझा की। यहां उन्होंने बताया कि कैंट थाने में 6 आरोपियों से 35 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जबकि कुमराज थाने से एक आरोपी के पास से 8 किलो गांजा बरामद किया गया। आगे उन्होंने बताया कि राधोगढ़ में 3 आरोपियों को पकड़ा गया, जहां 3 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जबकि एक आरोपी को धर्मनावदा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 3 किलो गांजा बरामद हुआ। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जाकर तस्करी के संबंध में और भी पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे व इनकी टीम को पिछले 10-15 दिनों से उड़ीसा से गांजा लाकर गुना सहित रुठियाई, कुमराज, राधोगढ़ व राजस्थान में गांजा खपाने की सूचना मिली थी, जिस पर से थाना प्रभारी कैंट आशीष सप्रे को दिनांक 8 फरवरी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बांसखेड़ी रेलवे फाटक के पास 3 व्यक्ति गांजा लिए हुए बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर थाना प्रभारी कैंट द्वारा 3 व्यक्ति आरोपी पवन पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी बड़ौत थाना कुमराज के कब्जे से 10 किलो गांजा एवं रावेश्वर मीणा पुत्र रंगलाल मीणा निवासी फतेहगढ़ के कब्जे से 11 किलो गांजा, आरोपी ईश्वरलाल रजक पुत्र बाबूलाल रजक निवासी बड़ौत थाना कुमराज से 14 किलो गांजा, कुल 35 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनकी निशानदेही पर आरोपी दर्शन पन्नालाल लोधा निवासी फलिया राजस्थान, आरोपी ब्रजमोहन पुत्र संग्राम लोधा निवासी पगारा धरनावदा, आरोपी प्रवीण उर्फ मोनू पुत्र नंदकिशोर बैरागी निवासी बड़ौत थाना कुमराज के साथ गांजा तस्करी करना व उड़ीसा से व गुना आसपास के क्षेत्रों में बेचना बताया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी कुमराज, थाना प्रभारी धरनावदा, थाना प्रभारी राधोगढ़ को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके बाद वहां से 5 आरोपियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से गांजा तस्करी का रैकेट चल रहा है, जिसमें उड़ीसा से वो लोग गांजा लेकर आते हैं और उसके बाद वो पूरे ज़िले में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है और वहाँ से उसकी बिकवाली होती है। इस मुखबिर सूचना पर टीआई कैंप में इस सूचना को डेवलप करा और इसमें हमने कुल पूरे ज़िले से करीब 11 आरोपियों को पकड़ा है और इसमें जो करीब 45 किलो के आसपास जो है पूरा गांजा इसमें पकड़ा गया है। ये सर इतने बड़े लेवल पे तस्करी चल रही थी, अभी एकदम अचानक कैसे क्या मुख्य था? काफ़ी लंबे समय से इनका ये व्यापार चल रहा था और इसकी हमें गोपनीय सूचना आ रही थी, तो इस पर जब भर करा गया तो इस पूरे रैकेट को पकड़ा गया। इससे मुख्य रूप से कुमराज का गाँव है बड़ौत, वहाँ के इसमें लोग संलिप्त पाए गए हैं, वहाँ पर व्यापक स्तर पर इस तरह की गतिविधियाँ चल रही थी, इसकी सूचना भी हमें दूर से लगातार इस पर कार्रवाई आगे भी जारी रही। सर इसकी कीमत कितनी है? इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसके अनुसार इसमें संस्थाओं लगभग करीब 1.5 लाख रुपये का ये गांजा होना चाहिए। सर रैकेट का जो चेन जो तोड़ा है, इसके बाद और भी लोगों के पकड़े जाने की क्या कुछ है? अभी उससे भी जो है इसमें जो बड़ौत गाँव के जो कुमराज थाने के जो लिंक मिले हैं उस पर हम आगे और वर्क करेंगे, और जो भी इस तरह से व्यापार में जो इसमें संलिप्त हैं, जो उड़ीसा से ट्रेन के माध्यम से या अपनी पर्सनल गाड़ी के माध्यम से जो इस तरह की गांजे को लेकर आ रहे हैं, लगातार उनको कार्रवाई जारी है। और इसमें कोई व्यापारी या राजनीतिक कोई संगठन इस तरह का जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसमें कड़ी कार्रवाई। सर जानकारी प्राप्त हुई थी कि कल सुबह में ये गिरफ्तारियाँ हुई थी, फिर आज सार्वजनिक करने में इतना विलम्ब इसमें क्यों लिया गया? नहीं, इसमें पूरी कार्रवाई जब समाप्त हो जाती है और आरोपियों को जब हम कोर्ट में पेश करते हैं उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाए। सर और भी कोई मेन आरोपी इसमें जो और आरोपियों की भी तलाश चल रही है, जो लिंक हमें मिले हैं उसको भी हम बात कर रहे हैं और जैसे जैसे उसमें कोई भी ठोस कार्रवाई आगे होगी आपको सूचित किया जाएगा। वहाँ से फरार हो गया तो उसमें सर कौन लोग यहाँ से गए थे लेकर, कैसा ऐसे हो संभव हुआ? प्रधान निरीक्षक और दो आरक्षक की टीम थी जो कि चांचौड़ा अस्पताल से रेफर होने पर ग्वालियर अस्पताल के लिए कैदी को लेके गए थे और कैदी की वहाँ से फरार होने की सूचना है, उस पर जो है उसको पुनः पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर में उसको अभिरक्षा से फरार होने का प्रकरण भी पंजीकृत हुआ है और जो टीम जिसकी लापरवाही से इकट्ठा हुई है उस टीम को निलंबित भी किया गया। सर नाम सर नाम आपको जो है प्रेस क्लब को देना है। कितने लोगों की टीम के साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान? अभी जो ये घटना हुई है जिसमें कि कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध शराब मिली है, इसके मद्देनजर चेकिंग बढ़ाई जाएगी और हरियाणा में जहाँ से इस शराब का जहाँ से निकलना होता है वहाँ पर भी हम अपना मुख्य तंत्र को सुदृढ़ करेंगे, जैसे कि जब ये इस तरह की शराब यहाँ से चले तभी हमें सूचना आ जाए और कुछ डेड बॉडी जो रिकवर करी थी उसमें कुछ मिला क्या? उसमें अभी जो है पोस्टमार्टम हो चुका है और अभी मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हुआ है,
तभी जो उसमें कंकाल हमें जंगल में मिला है उसके आइडेंटिफिकेशन के जो प्रयास है वो किए।